Now the endoparasites, they are of different types. First is the cytozoic endoparasite. Cytozoic means which live in the specific cells, body cells of the host. For example, plasmodium. देखो प्लाज्मोडियम कितनी बार आ रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरासाइट. इसका हमने लाइफ साइकिल जब डिटेल में करेंगे बाद में तो बहुत अच्छे से करना है. सो प्लाज्मोडियम दैट लिव्स विद इन द आरबीसीज और द ब्लड और द लिवर सेल्स, दैट इज द हिपेटोसाइट्स ऑफ द मैन. ऐसे आपके पोलियो वायरस है दैट लिव्स इन द मोटर न्यूरॉन्स. नेक्स्ट इज द हिस्टोजोइक एंडोपैरासाइट्स. हिस्टोजोइक एंडोपैरासाइट्स आर दोस विच इन्फेक्ट अ पर्टिकुलर टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल ड्रेनोक्युलस मेडिनेंसिस, द गिनिया वॉर्म सॉरी दैट लिव्स इन दिस सबक्यूटेनियस टिश्यू. सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ है, जो आपकी स्किन के नीचे का जो टिश्यू है वहां पर ये जो है वो गिनिया वॉर्म रहता है. ऐसे ही आपका ट्रैकिनेला स्पाइरलिस का डायग्राम भी आपकी बुक में दिया हुआ. दिस पैरासिटिक वॉर्म इज सीन इन द स्केलेटल मसल्स. ठीक है, ये आपके मसल्स दिखाए, मसल सेल्स दिखाए, उसके बीच में जाके जो है ये सॉरी ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है. नेक्स्ट आर दी गट एंडोपैरासाइट. गट एंडोपैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट विच लिव विद इन द एलिमेंट्री कनाल. फॉर एग्जाम्पल यू एंटमीबा दैट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और यू ऑल नो टेनियसोलियम यू हैव स्टडीड दैट लिव्स एंड एस्कैरिस दे लिव इन द इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज दी बॉडी फ्लूइड पैरासाइट्स. बॉडी फ्लूइड पैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट विच लिव इन अ पर्टिकुलर बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, पर्टिकुलर बॉडी फ्लूइड्स बनेंगे. जैसे ट्रिपैनोसोमा है, इट लिव्स इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यू ऑल नो व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट कॉजेज द स्लीपिंग सिकनेस. सिमिलरली वुचरीरिया, द फाइलेरियल वॉर्म कॉजेज एलिफेंटियासिस. इट लिव्स इन द लिम्फेटिक वेसल्स. ठीक, तो इसी तरह से ये जो हमारे पैरासाइट्स हैं, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे, उस बेसिस पे इन्हें हमने डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. नेक्स्ट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ द पैरासाइट इंटीमेसी, कि कितनी इंटीमेसी जो है वो पैरासाइट के साथ है आपकी. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सैकुलिना का, वो मैं आपको बताती हूँ. पीछे ये जो सेकुलिना का डायग्राम है, यहाँ पे इसको क्यों थोड़ा सा एम्फोसाइज किया, बिकॉज इट एक्ट एज अ एक्टो एज वेल एज अ एंडो पैरासाइट इन केस ऑफ द एनिमल्स. इट पैरासिटाइज द क्रैब्स. जो आर्थ्रोपोड्स में क्रैब्स होते हैं, ये अपने आप भी एक क्रैब ही है, लेकिन ये बाकी जो कुछ एक क्रैब्स हैं, स्पेशली जो आपके ब्राकी यूरिन क्रैब्स हैं, उनके ऊपर पैरासाइट की तरह एक्ट करता है. तो उनकी बॉडी में ये एंडो एज वेल एज एक्टो एक्टोपैरासाइट जो है वो एक्ट करता है. तो थोड़ा सा मैंने इसका लाइफ साइकिल बनाया है, ये आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव ड्रॉन द लाइफ साइकिल ऑफ द क्रैब. सो लेट्स सी इट नाउ. द क्रैब जो इसका होस्ट क्रैब है, उसके पास सैकुलिना जो है उसके एब्डोमेन के नीचे एज अ येलो सॉफ्ट बॉडीड हमें ब्लैडर के फॉर्म में देखने को मिलेगा. जैसे यहां पर जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, दिस इज सैकुलिना, दिस इज द होस्ट क्रैब, दिस इज द होस्ट क्रैब, एंड दिस इज सैकुलिना. सैकुलिना हियर, सैकुलिना इज एक्चुअली फीमेल सैकुलिना. ये फीमेल सैकुलिना जो है वो उसके एब्डोमेन के नीचे जो है एक ब्लैडर के फॉर्म में रहता है. जब ये अडल्ट है, दिस इज द अडल्ट फीमेल, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस ओवॉइड येलो कलर सैक विच इज प्रेजेंट अंडर द एब्डोमेन. जब ये मैच्योर, सेक्शुअली मैच्योर हो जाएगा, तो आपका जो मेल होता है, जो मेल आपका सैकुलिना है, वो यहां पे आके इसके साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा. तो देखेंगे आप, दिस इज द डायग्राम, द मेल दैट कम्स आउट एंड फर्टिलाइज विद द फीमेल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद बनेगा जायगोट. जायगोट के बाद हमारा एक स्पेशलाइज लार्वा बनता है, जिसे हम कहते हैं नैप्लियस. दिस नैप्लियस लार्वा, इट इज रिलीज, ये पानी में बाहर जो रिलीज हो जाएगा, उसके बाद इसकी फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी, इट विल फॉर्म द साइप्रस लार्वा. नाउ द साइप्रस लार्वा, इट विल अटैच टू अनदर होस्ट क्रैब. ठीक है, यहां जो था ये हमने देखा कि जो फीमेल सैकुलिना है, हम यहां देख रहे हैं फीमेल सैकुलिना जो है वो अटैच है एक अपने होस्ट क्रैब के साथ, लेकिन उसकी लार्वल फॉर्म जो है वो फ्री हो जाती थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जो उसका लार्वा है, यंग लार्वा, दैट इज द साइप्रस लार्वा, द साइप्रस लार्वा विल अटैच टू द अनदर होस्ट के साथ जो है वो अटैच करेगा. थोड़े टाइम के लिए ये एज अ एक्टोपैरासाइट रहेगा, यानी कि उसके बॉडी के जो है वो अंदर मूव नहीं करेगा, बाहर ही जो है उसमें से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो लेता रहेगा, साथ में जो है वो शेल्टर भी लेता रहेगा. फिर कुछ टाइम बाद ये करता है
ये जो आपका सैकुलिना है इसका जो लार्वा है इट पेनिट्रेट इनटू द होस्ट बॉडी, होस्ट के बॉडी के अंदर जो वो पेनिट्रेट कर जाएगा और रूट लाइक प्रोसेसेस जो है वो डेवलप कर देता है. दिस रूट लाइक प्रोसेसेस दे आर मेंट फॉर द न्यूट्रिशन. इन रूट लाइक प्रोसेसेस से जो है वो अपनी न्यूट्रिशन जो डिराइव करेगा, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा, ये लार्वा जो है वो फाइनली जो है वो कहां पे पहुंच जाएगा, यहां पर क्रैब के जो है वो एब्डोमेन के बेस पे, ठीक है. तो ये जो आपको रूट लाइक प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं ये बेसिकली इस वाले क्रैब के नहीं है, जो होस्ट है उसे क्रैब के नहीं है. ये जो फीमेल यहां पर अंदर इसके पास जो वो एज अ पैरासाइट है, उस पैरासाइट फीमेल के जो प्रोसेसेस हैं रूट लाइक प्रोसेस हैं विच आर मेंट टू डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट पैरासाइट. सो एक्चुअली सैकुलिना दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्टो एज वेल एज एंडो पैरासाइट, सो इट इज साइटेड इन योर बुक. Now, the another category of the parasitism is the on the basis of the parasite intimacy. Kitni intimacy hai? First are the facultative parasites. Facultative parasites are those parasites which will become parasite only when the host is available, or they will be not act as a parasite when they are freely प्रेजेंट देयर और द होस्ट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है. इसका एग्जाम्पल आ गया ओस्टियोप्रॉन. अगर होस्ट है तो ठीक है वो पैरासाइट बन जाएगा, अगर नहीं होस्ट है तो वो फ्री लाइफ अपनी रह लेगा. इसके अलावा कुछ और पैरासाइट्स होते हैं विच हैव अ वेराइटी ऑफ द होस्ट, जिनका एक स्पेसिफिक होस्ट नहीं होता, बहुत सारी वेराइटीज होते हैं होस्ट की. सो दीज आर दी ऑल्सो कॉल्ड एज द फैकल्टेटिव पैरासाइट, ठीक है. एन एग्जाम्पल इज द टिक्स. सो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स विच डू नॉट हैव अ डेफिनेट होस्ट और दे एक्ट एज अ पैरासाइट ओनली वेन देयर होस्ट इज अवेलेबल और इधर दे कैन लिव अ फ्री लाइफ. नेक्स्ट इज द ऑब्लिगेटरी पैरासाइट. ऑब्लिगेटरी पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच कैन ओनली लीड अ पैरासिटिक लाइफ एंड आर वेरी मच होस्ट स्पेसिफिक. ये अपनी फ्री लाइफ जो है वो नहीं रह सकते हैं, अपनी फ्री लाइफ जो है इनकी नहीं होती है और अपने होस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल एंड दे आर वेरी मच द होस्ट स्पेसिफिक. नाउ दीज आर ऑल्सो categorized into different categories. The first is the zoophagous. Zoophagous parasites are those parasites which are the parasites of the animals. Now we man is also a man animal. आपको पता ही humans they also are animals. तो ऐसे बहुत सारे parasites हैं जो human के ऊपर या बाकी animals के ऊपर जो है वो as a parasite रहते हैं and they also transmit a different number of diseases. For example is your Giardia lamblia, it causes diarrhea. Then the trypanosoma, it causes sleeping sickness. Plasmodium, it causes malaria. So आप दो तीन example दे सकते हैं. ये मैं आपको सारी definitions बार बार stress देके क्यों करवा रही हूँ, because sometimes these definitions are being asked in your multiple choice questions or the MCQs. ठीक है, तो आगे भी आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए हमें ये सारे डेफिनेशंस कर लेनी है. जूफेगस पैरासाइट क्या होता है, ये क्या होता है, फाइटोफेगस क्या होता है, सोशल पैरासाइट क्या होता है, सेक्सुअल पैरासाइट क्या होता है, ठीक है. मतलब जूफेगस पैरासाइट जो एनिमल्स के ऊपर अटैक करेंगे वो आपके बैक्टीरियल पैथोजन भी हो सकता है, जैसे विब्रोकॉलरा विच कॉजेज द कॉलेरा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यू ऑल नो इट कॉजेज टीबी. ये वो बैक्टीरिया है विच एक्ट एज द पैरासाइट, विच एक्ट एज द ऑब्लिगेटरी पैरासाइट टू द ह्यूमंस एंड कॉजेज सम डिजीजेस. वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर इज बैसिलस एंथेरेसिस. दिस बैसिलस एंथेरेसिस इज अ बैक्टीरिया विच कॉज द एंथरेक्स डिजीज इन द कैटल, ठीक है. कैटल्स में भी बहुत सारे डिजीजेस जो बैक्टीरियल होते हैं, ऐसे ही आपके फंगस जो है वो पैथोजन एक्ट करेंगे. यू ऑल नो आपका जो रिंग वॉर्म होता है, आपके जितने भी तरह की जो स्किन डिजीज होती है वो ज्यादातर आपके फंगस के कारण ही होती है, ठीक है. ऐसे ही प्लांट्स में भी आपको पता है बहुत सारे जो पैथोजन है वो फंगल होते हैं और प्लांट्स में बहुत सारे डिजीजेस करते हैं. ऐसे ही आपके वायरल पैथोजन्स हैं, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द वायरल पैथोजन. अभी जो आपका ये COVID-19 है, दिस इज अगेन अ वायरल पैथोजन, राइट. ऐसे ही आपके HIV है, हेपेटाइटिस है, रुबेला वायरस है, दीज ऑल आर द डिफरेंट पैथोजन विच कॉजेज द डिफरेंट डिजीजेस इन द ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल सम वायरसेज दे कॉजेज द फुट एंड माउथ डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज इन द डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है. जिन लोगों ने घर में पशु पाले होते हैं उनको पता है कि फुट एंड माउथ डिजीज क्या होता है, तो वो जो होता है वो वायरल होता है, ठीक है, वायरस की वजह से होता है.
ऐसे ही बहुत सारे हेलमिंट्स हैं, हेलमिंट्स क्या आ जाएंगे आपके, वर्म्स आ जाएंगे जो डिजीजेस करेंगे, टेनिया सोलियम यू ऑल नो, द पॉक टेप वर्म, देन इज योर विचरीरिया कॉजिंग द एलिफेंटियासिस। आप जब एक बार ये बुक हम पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, बिकॉज दिस ऑल द लाइफ साइकिल्स ऑन द पैथोलॉजी एंड द ऑल द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एनिमल्स, दीज पैथोजेंस आर बीइंग डिस्क्राइब इन द फर्दर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट इज द फाइटोफेगस पैरासाइट। अभी हमने क्या किया, जूफेगस। जूफेगस मीन्स द पैरासाइट्स विच इन्फेक्ट द एनिमल्स। नेक्स्ट इज द फाइटोफेगस पैरासाइट विच इन्फेक्ट द प्लांट्स। नाउ दिस फाइटोफेगस बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं, आपको पता है सिट्रस में, जैसे कि सिट्रस में जो है वो ज़ैंथोमोनास, इट कॉजेज द सिट्रस कैंकर। देन फंगल, अगर पैथोजेंस की बात करें, कैंडिडा, द अल्बुको कैंडिडा, इट कॉजेज द रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। एनिमल पैथोजन, सम एनिमल्स ऑल्सो एक्ट एज द पैथोजन, फॉर एग्जाम्पल एफिस, एफिस ब्रासिका। वॉट इज एफिस ब्रासिका, इट कॉजेज द, it sucks the sap of the musk plant. Now what is this aphis? Aphis जो होते हैं ये, it is the zoological name of aphids. Aphids आपने बहुत बार देखे होंगे, कभी आपने ध्यान भी दिया होगा जब हम गोभी लेके आते हैं, स्पेशली आजकल के सीजन में, उसके ऊपर छोटे छोटे करके, छोटे छोटे जो है वो हमें इंसेक्ट से देखने को मिलते हैं। सो दे आर द एफिड्स, ठीक है, वो एफिड्स हैं, एंड उनके बहुत छोटे छोटे जो है वो सकिंग पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल प्लांट के प्लांट्स को, सैप को सक करते हैं। ऐसे ही मस्टर्ड प्लांट में, जब आपका बसंत का मौसम होता है आपके फरवरी मार्च में, तो जो मस्टर्ड प्लांट के जो टॉप में जहां पे सॉफ्ट लीव्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कलर के आपने इकट्ठे देखे होंगे, तो दीज आर दी एफिड्स। सो दे एक्ट एज दी एनिमल पैथोजन। नाउ व्हाट आर द सोशल पैरासाइट्स? सोशल पैरासाइट्स आर व्हाट व्हिच टेक द विच पैरासिटाइज द अदर एनिमल, ठीक है, जो सोशल बिहेवियर अपना इस तरह से रखते हैं कि वो दूसरे एनिमल का जो है वो सोशल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। हमने बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखा, कोयल, हमें पता है यूडानिमस दैट नेवर बिल्ड इट्स ओन नेस्ट, नेवर प्रिपेयर इट्स ओन नेस्ट। कोयल कभी भी अपना जो नेस्ट नहीं बनाती है, हमेशा अपने एग्स जो वो कहां पे ले करती है, क्रो के नेस्ट में ले करती है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। और क्रो उसके कोयल के बच्चों को तब तक देखता है अच्छे से, उसको उनका अपब्रिंगिंग करता है, जब तक उसको ये पता नहीं चलता कि ये उसके खुद के ऑफस्प्रिंग्स नहीं है। सो सच टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इज द ब्रूड पैरासिटिज्म एंड इट कम्स अंडर सोशल पैरासाइट्स। ऐसे ही बहुत सारे हमारे वैस्प होते हैं या आंट्स होती हैं, वो क्या करते हैं, या बीज होते हैं, वो दूसरे की कॉलोनी में जाके उसकी क्वीन को मार देती हैं और खुद वहां पे एज अ क्वीन जो है वो बन जाती हैं। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द सोशल पैरासाइट्स, वेयर द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल इज एक्सप्लॉयटेड बाय द अदर एनिमल। नेक्स्ट इज द हाइपर पैरासिटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज हाइपर पैरासिटिज्म? जब पैरासाइट के ऊपर एक और पैरासाइट हो उसको बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म, इन विच अ पैरासाइट इज फर्दर पैरासिटाइज बाय द अनदर पैरासाइट, ठीक है, एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट। एग्जाम्पल जो आपकी रैट फ्ली होती है, रैट फ्ली हमने बहुत बार सुना है, इसका प्लेग में इसका नाम सुना हुआ है, तो रैट फ्ली जो है, द ज़ेनोप्सिला क्योप्स, द रैट फ्ली, इट इज अ एक्टोपैरासाइट ऑफ रैट, ये रैट के ऊपर पैरासिटाइज करती है, लेकिन इसके ऊपर भी एक और, इसके अंदर भी एक पैरासाइट जो है वो सर्वाइव करता है, बिकॉज दिस इज द पास्टोरेला पेस्टिस, ठीक है। तो एक पैरासाइट के ऊपर जब दूसरा पैरासाइट आ जाएगा तो दिस इज द हाइपर पैरासिटिज्म, राइट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरासिटिज्म? नाउ एक ये टर्म हमारी रहेगी सेक्सुअल पैरासाइट। सेक्सुअल पैरासाइट क्या है? जब एक मेल या फीमेल एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट, सेम स्पीशीज का मेल फीमेल एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट रहते हैं, जैसे हमने एंगलर फिश देखा पीछे, अभी एंगलर फिश में हमने क्या देखा, एंगलर फिश में हमने देखा कि कैसे जो छोटा सा मेल है वो फीमेल के ऊपर एज अ पैरासाइट जो हमेशा के लिए रहता है। दिस इज द डायग्राम वेयर द मेल इज अ सेक्सुअल पैरासाइट ऑफ द फीमेल। अनदर डायग्राम एक्सप्लेनिंग द सेक्सुअल पैरासिटिज्म इज दिस सिस्टोसोमा, द ब्लड फ्लू। यहां पे जो ये आप देख रहे हैं पतला थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द फीमेल विच ऑलवेज लिव एज अ सेक्सुअल पैरासाइट विद इन द बॉडी ऑफ द मेल। ये जो थिक वाली बॉडी है ये मेल की है, और ये पतला जो थ्रेड लाइक दिख रहा है ये दिस इज अ फीमेल। सो फीमेल इज एक्टिंग एज अ पैरासाइट ऑफ द मेल। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासिटिज्म? हमने अभी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो सब के सब पैरासिटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कुछ पैरासिटिज्म इज ऑलवेज अ एंटागोनिस्टिक
इंटरेक्शन जिसमें कि हमेशा ही पैरासाइट बेनिफिटेड होता है और होस्ट को जो है वो लॉस होता है। तो ये परमानेंट भी हो सकते हैं, आपके टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द एक्टोपैरासिटिज्म एंड द एंडोपैरासिटिज्म। देन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटीमेसी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स जो कि पैरासिटिक लाइफ में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स व्हिच ऑलवेज लिव इन अ पैरासिटिक लाइफ। ठीक है, ये हमने सारे पढ़ लिए। अभी हमने भी पढ़ा जूफेगस एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे, फाइटोफेगस प्लांट्स को करेंगे, सोशल पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट ओवर पैरासाइट, देन द सेक्सुअल पैरासाइट, ये सारे हमने पढ़ लिए। तो ये जितने भी आपके एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके जो है वो पैरासाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कई पैरासाइट जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही इन्फेक्शन कर देते हैं, जैसे कि आपका एंटमीबा है या आपके वायरस है विच कॉजेज द चिकन पॉक्स और द स्मॉल पॉक्स। किसी को जो मेजल्स हो जाते हैं या जो स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, चिकन पॉक्स होता है, तो उससे हम दूर रहते हैं। वाई? बिकॉज दिस वायरस कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड। सम आर ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे भी हम कोविड 19 की बात करें तो कोविड 19 में हम मास्क क्यों लगा के रख रहे हैं, क्योंकि जब दूसरा दूसरा कोई होस्ट है जो अगर वो स्नीज करेगा, कफ करेगा, तो उसके ड्रॉपलेट्स अगर हम तक आ जाएंगे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाएंगे, तो हमें भी जो वो कोरोना हो सकता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देन कंटेमिनेशन, आप जानते हैं जो कंटेमिनेटेड फूड है, वाटर है, उससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। ऐसे कुछ डिजीजेस आपको एनिमल बाइट से होते हैं, जैसे रेबीज आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो यहाँ पे दिए हैं। सम वायरसेस और सम डिजीजेस दे स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल बिहेवियर सच एज योर एड्स, यू ऑल वेरी मच अवेयर फ्रॉम दिस। सो ये सारे के सारे आगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पैरासिटिज्म। ये काफी डिटेल में हमने पहले भी पढ़ लिया है, यहाँ पे अगेन इसी के बारे में बताया हुआ है। ये दो नई टर्म्स है यहाँ पे हमारे यहाँ पे कि द टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट, कि होस्ट का रिस्पॉन्स कैसा है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द नेक्टोट्रॉफिक पैरासाइट्स एंड द बायोट्रॉफिक। ये छोटी छोटी टर्म बेटा हमने जरूर करनी है, क्योंकि कई बार इसको ही जो है वो एग्जाम में 1-2 वर्ड्स में पूछ लेते हैं। तो नेक्टोट्रॉफिक पैरासाइट्स आर द पैरासाइट्स जो अपने होस्ट को जो है उसके ऊपर सर्वाइव करेंगे और उसको मार देंगे। They causes the death of the host. Why? Because when the host is dead, they can derive more benefit from it. ठीक है, example is the bowfly. Bowfly जो है ये animals के ऊपर अपना जो है वो अपने eggs lay करते हैं, और eggs lay करने के बाद जो larva होंगे वो अपने host को जो है वो मार देते हैं। ठीक है, next is the biotrophic parasite. Biotrophic parasites are the parasite which do not kill their होस्ट। एक स्मार्ट पैरासाइट वही होता है जो अपने होस्ट को किल नहीं करेगा, ताकि उससे वो न्यूट्रिशन जो है ये शेल्टर डिराइव करता रहे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे आगे और चीजें दी हुई है, जैसे कि पैरासिटिक अडाप्टेशन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट पैरासिटिक अडाप्टेशन विद द हेल्प ऑफ विच द पैरासाइट्स दे रिमेन सक्सेसफुली विद इन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, उसमें क्या क्या मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वो अपने होस्ट के अंदर इजिली सर्वाइव कर सकता है। ये आ गया आपका डीजनेशन ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जो आपने बहुत अच्छे से टेनिया सोलियम या आपने एंसिलोस्टोमा जो है ये पहले देख पढ़ा हुआ है अपने फर्स्ट ईयर में। तो उनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। दे डोंट हैव द सेंस ऑर्गन। व्हाई? बिकॉज दे आर लिविंग इन अ वेरी सेफ एनवायरमेंट विद इन देअर होस्ट, सो दे डोंट नीड सच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स बिकॉज दे आर गेटिंग अ रेडीमेड फूड, सो डोंट नीड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। दे डोंट हैव टू मूव हियर एंड देयर, सो देयर इज नो नीड ऑफ लोकोमोटरी सिस्टम। And due to the safe environment within the host, they don't need any type of the sense organs. Now the shape of the parasite. The shape of the parasite is of such type that it can easily penetrate into its host. ठीक है, ऐसे ही जो आपका होस्ट जो स्पेशली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्स में रहते हैं, वो उनकी बाहर एक वाटरप्रूफ क्यूटिकल होती है, जिसकी वजह से जो होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उसको जो आपका पैरासाइट है उसको इन्फेक्ट नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर द फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन, जो हमने पहले की वो कहती है मॉर्फोलॉजी। उसके जो है मॉर्फोलॉजी में क्या अडाप्टेशन आएंगे जिसकी वजह से पैरासाइट जो है एक सक्सेसफुल पैरासाइट बनता है। नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन विद विच अ पैरासाइट बिकम अ सक्सेसफुल पैरासाइट। एनारोबिक रेस्पिरेशन,
मोस्ट ऑफ दी पैरासाइट्स विच आर एंडोपैरासाइट्स, दे आर एनारोबिक, उनको एनारोबिक ही होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अपने होस्ट के बॉडी के अंदर उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, सो दे आर दी एनारोबिक पैरासाइट्स. नेक्स्ट, दे आर लिविंग इन आइसोटोनिक बिहेवियर, आइसोटोनिक टिश्यू, बिकॉज द होस्ट टिश्यू इज आइसोटोनिक टू देम, सो दे डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ द ऑस्मोलेगुलेटरी अपरेटस. नेक्स्ट, दे रिलीज सम ऑफ द एंटी इंजाइम्स. Why anti-enzymes are required? Because they have to neutralize the different digestive juices of the host in which they are living. Now the next are the reproductive adaptation. Reproductive adaptations are what? कि उनको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल पैरासाइट जो है वो रह सके. So the first is the they have टू प्रोड्यूस एट अ वेरी हाई रेट, बहुत हाई रेट पे वो प्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं या स्पोर्स रिलीज करते हैं. क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं जब उनके स्पोर्स या एग्स रिलीज होंगे तो देर आर चांसेस दैट द मोस्ट ऑफ द एग्स दे मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एनी अदर फैक्टर्स. सो अगर ज्यादा एग्स रिलीज होंगे या ज्यादा अपने स्पोर्स को रिलीज करेंगे तो चांसेस तभी बनेंगे कि कुछ स्पोर्स या कुछ जो आपके एग्स हैं वो दोबारा से अपने नेक्स्ट होस्ट में जो वो आ सके. ठीक है, ऐसे ही आपके कुछ जो होस्ट होते हैं, सॉरी कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो असेक्सुअल प्रोडक्शन भी करते हैं. जैसे हमने पीछे प्लाज्मोडियम में देखा, प्लाज्मोडियम जो है उसमें असेक्सुअल प्रोडक्शन भी होती है. आप मैंने स्पोरोगोनी अभी आपको दिखाया, उसमें स्पोरोगोनी में क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स जो है वो एक ही जाइगोट से रिलीज होते हैं. ठीक है, ऐसे ही हम एस्कैरिस की बात करें बेटा, तो एस्कैरिस में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ऑफ एग्स आर रिलीज इन अ सिंगल डे. 2 मिलियन, यू कैन इमेजिन that how high is the fecundity rate of the Ascaris. It can release 2 million eggs per day. So these are the some of the characteristics which will help the parasite to be a successful parasite and live easily in its host body. Now the next term is the parasitoidism. Parasitoidism is what? This is a form of parasitism in which one organism, which is called as a parasitoid, that lives inside the another host. ठीक है, at one phase of life cycle, एक particular phase पे ही वो अपने दूसरे host के ऊपर रहेगा और वो अपने host की death कर देता है. ठीक है, तो इसका example जब हम करेंगे तो हमें इसकी definition जो है वो ज्यादा clear होगी. So most of the parasitoids they belong to the Hymenoptera. Hymenoptera कौन सा order होता है insecta का, जिसमें कि wasp पाएंगे, and belong to the Diptera. Diptera is the order which consists of the flies, the different flies. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Hymenopterans हैं, wasp या जो आपकी flies हैं, ये अपना जो insect host, अपना जो host है उसके larva के ऊपर अपने eggs लेकर देते हैं. अपने एग्स ले कर देंगे तो जब एग्स जो है वो जब वो हैच होंगे इन इंसेक्ट्स के, तो वो उस लार्वा जो होस्ट लार्वा है उसके टिश्यू को जो है वो फीड करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उसको तब तक, ठीक है, आपको पता है जो आपके इंसेक्ट्स है उसमें क्या होता है, एग होता है, एग के बाद जो है वो लार्वा होता है, लार्वा के बाद होता है प्यूपा, लार्वा के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज प्यूपा, प्यूपा के बाद आती है आपकी नेक्स्ट स्टेज दैट इज अडल्ट. ठीक है, तो एग्स कहां पर ले किए उसने, किसी और होस्ट लार्वा के ऊपर. फिर एग्स जब ले कर दिए, एग्स में से क्या इरेप्ट होंगे, लार्वा, लार्वा के बाद बनेगा प्यूपा, तो वो तब तक अपने होस्ट के लार्वा को खाते रहेंगे जब तक वो प्यूपा में कन्वर्ट नहीं हो जाते, और प्यूपा के बाद क्या बन जाएंगे, वो अडल्ट. ठीक है, सो दीज आर दी सच टाइप ऑफ पैरासिटोइज्म, सच टाइप ऑफ पैरासिटम इज कॉल्ड एज द पैरासिटोइडिज्म. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर पैरासिटिज्म. नाउ द नेक्स्ट इंट्रैक्शन विच विल स्टडी टुमारो इज द सिम्बियोसिस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.